इसी तरह आजकल ये गुड्डे गुड़िया और खिलौने तस्वीर वाले, इनकी खरीदो फरोख्त हो रही है। डॉल जिसे बोला जाता है, गुड्डे गुड़िया तस्वीर वाले खिलौने, इनकी खरीदो फरोख्त। इनके बारे में याद रखिएगा, जो तस्वीरें हैं वो चाहे डॉल हो, गुड़िये हो, गुड्डे हो, ये सारी चीजों के अंदर फिर उसका कारोबार और उसकी खरीदो फरोख्त हमारे लिए शरान जायज नहीं है, इजाजत नहीं दी है शरीयत ने, क्योंकि तस्वीर है और तस्वीर शरान हराम है। लिहाजा ये डॉल, गुड्डे, गुड़िया, इनकी खरीदारी करना हमारे लिए शरान जायज नहीं होगा। एक होता है कि हम कोई सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए शैंपू बेच रहे हैं, उस पे तस्वीर बनी हुई है, लेकिन वहां पे मकसद जो है ना वो शैंपू खरीदना है, उसकी शक्ल नहीं खरीदनी, भाई समझ रहे हैं ना, वो जायज है। लेकिन जहां पे गुड्डे गुड़िये बेचे जा रहे हैं, वो तस्वीर के खिलौने बेचे जा रहे हैं, वहां पे उनकी शक्लें मकसूद है, तस्वीर मकसूद है, लिहाजा उनका बेचना शरान जायज नहीं होगा। दोनों में फर्क हो गया। एक जगह पे मैंने बताया जायज नहीं है, तो उन्होंने ना मेरे पास में टेक्स्ट मैसेज करके एक हदीस भेज दी कि आपने जो बात बताई नाजायज वाली, उस पर ये एतराज है। क्या हदीस भेजी उन्होंने, मैं उसे नोट किया अपने पास में, वो आप भी सुन लें। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस मुबारक है, वो तो छोटी सी थी जब हुजूर के घर में रुख्सत होकर आई थी। फरमाती थी, कुंतु अलअबु बिल बनात, कहती है मैं गुड़ियों से खेलती थी। इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पास, हुजूर अलैहि सलाम के पास में गुड़ियों से खेलती थी। उन्होंने कहा कि बात ही खत्म हो गई, जब अम्मा आयशा गुड़ियों से हुजूर के पास खेल रही है, तो फिर इसके बेचना, खरीदना, बच्चों के लिए लाना नाजायज कैसे हो गए? इतराज मजबूत है, बात भी सही है उसकी पूछने वाले की कि ये जायज कैसे हो गए। ऐसे इतराज बड़े अच्छे लगते, ऐसी बात बंदा पूछे दिल को भी अच्छा लगता है कि हां ये बात बहुत काबिले तारीफ पूछी। तो अब ये आपके लिए भी एक सवाल हो गया। अब जवाब क्या है इसका? इसका एक बुनियादी जवाब हजरत इमाम इब्नुल जौजी रहिमहुल्लाह, हदीस के बड़े इमाम है, उन्होंने ये बात तहरीर फरमाई है। بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم, कि अम्मा आयशा की ये जो गुड़ियों का वाकिया है, ये उस वक्त पेश आया था जब तक तस्वीर की हुर्मत अल्लाह ने उतारी ही नहीं थी। इसके वाकिये के बहुत बाद में तस्वीर की हराम होने को अल्लाह ने उतारा है, तो उस जमाने तक ये जायज थी। जाहिर सी बात है, मदीनतुल मुनव्वरा आते ही हुजूर की रुख्सती अम्मा आयशा से हुई है, और अम्मा आयशा वहां पे आपके घर में आई है, और उसी वक्त में ये खेल का मामला है, और ये बाकी जो अहकाम तस्वीर वगैरह के और सारे, ये सब बहुत बाद में आते रहे। तो फरमाया कि तस्वीर हलाल थी उस वक्त में, तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हराम होना बाद में हुआ है, तो फिर उसको लेकर आप इस पर एतराज नहीं कर सकते, ये उसके बाद का वाकया। ऐसे बहुत सारे मसले, शराब, सहाबा ने शराब पी है, बहुत सारे सहाबा मजलिसे लगा लगा के शराब पीते थे, ईमान लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद महफिलें लगती थी शराब की, और सारे बैठ करके शराब पीते थे। शुरू के जो हुजूर के मक्का के 13 साल है, उसमें जम के शराब चली, हराम नहीं हुई थी शराब। मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद फिर अल्लाह ने शराब का हराम होना नाजिल फरमाया, फिर उसको हराम किया गया। तो अब कोई आदमी शराब के हलाल होने पे सहाबा का अमल पेश करे कि सहाबा पी रहे, हजरत हमजा जैसे जलील कदर बहादुर सहाबी से पीना साबित है, उन्होंने नशे के अंदर हजरत अली की 2 ऊंटनियां भी जिबा कर दी थी, उन्हें भी खत्म कर दिया था,
इस्लाम लाने के बाद में, तो कोई कहेगा इससे तो समझ में आया शराब हलाल है। नहीं, क्यों नहीं हलाल है? इसलिए कि हराम होना इसके बाद उतरा है, तो इससे पहले वाले वाकये को आप नहीं दलील बना सकते। हाँ, हराम होने के बाद अगर हो कोई वाकया तो फिर वो दलील बनेगा। तो जिस वक्त में ये अम्मा आयशा के खेल का गुड़ियों से मामला है, उस वक्त तक तस्वीरों क्या हराम नहीं किया गया था, इसलिए वहां पे चल रही है, तो उसको आप दलील में नहीं पेश कर सकते। ये इब्नुल जौजी रहीमहुल्लाह जो बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने ये बात तहरीर फरमाई। और दूसरी चीज, दूसरी बात एक और मैं आपसे कहता हूं कि उनकी गुड़िया कोई ऐसी गुड़िया थी जो आज हमारे यहां, आप इस पर गौर करें ना, गुड़ियों का क्या मतलब था? एक लकड़ी ली उस पर कपड़े लपेट लिए, एक लकड़ी ली उस पर कपड़ा, एक सीधी लकड़ी और एक ऐसे जैसे वो हमारे यहां खेतों में खड़ा रहता आदमी फर्जी, देखा होगा आपने। वो क्या करते, एक सीधी लकड़ी एक ऐसे और उस पर कपड़े लपेट दिए, तो वहां तक तो कोई मसला नहीं है। हां, अगर तस्वीर शकल आंख कान नाक सारी चीजें बनाई जाए तब इतराज की बात है ना। तो वहां पर तो अम्मा आयशा बिचारी वो एक लकड़ी ऐसे एक लकड़ी ऐसे उसमें कपड़ा लगा दिया, उसका तो बेचारी का गुड़िया का सर ही नहीं होता था, आंख नाक तस्वीरें तो कहां से बनेंगी उसमें, तो वो तो आज भी हलाल है। आप ऐसी गुड़िया बना बना करके खिलवाएं बच्चों को तो फिर कोई हरज की बात नहीं, जिनका सर ही ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है। बात समझ गए सारे हजरा? लिहाजा उसको हम दलील नहीं बना सकते।